Hello students, good morning to all. Today I am going to explain the chapter number 11, Biotechnology Principles and Processes. Student, chapter number 11, Biotechnology Principles and Process. Student, this chapter belongs to the biotechnology, and first of all we discuss the term biotechnology. Student, biotechnology term coined by the Carl Ehrlich in 1919. Carl Ehrlich ने 1919 में बायोटेक्नोलॉजी टर्म को फर्स्ट टाइम इन्वेंट या क्वाइन किया था. एंड क्वेश्चन हियर, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. तो बायोटेक्नोलॉजी का क्या मीन्स है स्टूडेंट्स, देखिए बायोटेक्नोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच है which deals with organism, plants or animal cell or their enzymes to produce products and processes useful to humans is called biotechnology. Student, biology ki ek aisi branch jisme hum microorganism ya plant ya animal cell ya unke koi bhi enzymes se हम ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें या एक ऐसा प्रोसेस यहाँ पर क्रिएट करें जो ह्यूमन के लिए हमेशा यूज़फुल रहे, तो इसी ब्रांच को बायोटेक्नोलॉजी कहा गया है. आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी प्लांट या किसी एनिमल सेल या उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए एंजाइम का इस्तेमाल करके हम एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें या ऐसा प्रोसेस डेवलप करें जो ह्यूमन के लिए हमेशा यूज़फुल है, तो ऐसी ब्रांच को बायोटेक्नोलॉजी कहा गया है. This term was given by Carl Ehrlich in 1919. Carl Ehrlich ने 1919 में ये term coin किया था. Student, according to the Carl Ehrlich, the production of products from the raw material with the aid of living being. इसका means है student, एक living being की हेल्प से किसी रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लेना ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा. स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भी इस टर्म को क्वाइन किया, वो डिफाइन किया है. उन्होंने बताया इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म. नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म का एक इंटीग्रेशन है जिसमें स्टूडेंट कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाएगा इन्हीं की हेल्प से जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है, तो इस दैट इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी. अगेन आई एम टेलिंग नेचुरल साइंस या ऑर्गेनिज्म या सेल या किसी पार्ट या कोई मालिक्यूल इनका यूज़ करके एक ऐसा प्रोडक्ट या कुछ ऐसे प्रोसेस को तैयार किया जाएगा जो ह्यूमन की हमेशा हेल्प करे, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी कहा गया है. तो स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी प्रोडक्ट या प्रोसेस तैयार किया जाएगा वो भी एक ऑर्गेनिज्म या कोई सेल या कोई पार्ट या कोई उसके अंदर का मॉलिक्यूल और इनका यूज़ करके हम ऐसा प्रोडक्ट तैयार करेंगे जिससे ह्यूमन की
हमेशा हेल्प हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट, लुइस पाश्चर इज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लुइस पाश्चर को ही बायोटेक्नोलॉजी का फादर माना गया है। और स्टूडेंट्स, जो कार्ल इरेकी है वो फादर ऑफ टर्म बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को उन्होंने इन्वेंट किया था और उन्होंने ये टर्म दिया था, लेकिन लुइस पाश्चर इज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। थैंक यू।